इसमें हम कहां तक सफल हुए ये कल पता चलेगा। जनता का चाहे जो भी आदेश हो, हम लोग अपनी राजनीति जारी रखेंगे और हम लोग गठबंधन की राजनीति में नहीं आएंगे। जैसा आपने बीच में चर्चा आई थी, इस देश में शायद गिनी चुनी दो चार पार्टियां हैं जिन्होंने कभी ना कभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को साथ ना दिया हो। सभी पार्टियां जब मौका आता है तब अपने फायदे के लिए कभी बीजेपी के साथ हो जाती है, कभी कांग्रेस के साथ हो जाती है। तो इस तरह की जो राजनीति इस देश में आ चुकी है, जहां पर केवल खुद का स्वार्थ देखते हुए खुद के फायदे के लिए पार्टियां अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेती है, वो बदलना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साफ राजनीति लानी होगी, अपराधीकरण खत्म करना होगा और उसके प्रयास में हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। चलिए, दिल्ली का अनुभव भी बता रहे हैं आप, ये कांग्रेस का साथ लिया आप लोगों ने। देखिए, दिल्ली के अंदर में बार बार अपनी चर्चा इस पर कई बार हो चुकी है कि हमने किसी का सपोर्ट ना मांगा था, ना मांगेंगे, ना किसी को देंगे। अब हमारे को अगर गवर्नर साहब ने कहा कि आप अल्पमत की सरकार बनाइए, तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी और वो भी जनता से पूछने के बाद पूरी करी। और जब हमने सरकार छोड़ी है, तब भी जब हमने सत्ता छोड़ी है, वो भी केवल सिद्धांतों के आधार पर छोड़ी है। और ये आपको ध्यान है कि उस समय 7-8 दिन तक चर्चा केवल यही थी, आप सभी हमसे कह रहे थे सरकार क्यों नहीं बना रहे, आप भाग रहे हो। तो ये तो देखिए आपका काम है, हम सरकार में नहीं जाएंगे तो आप कहोगे भाग रहे हो, अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, सरकार बनाएंगे तो कहोगे कि आपने सपोर्ट ले लिया। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन जनता ने देखा है कि हमने जनता को पूछ करके केवल एक जनहित में अपना कि हम कर सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, दिखाने के लिए एक सरकार बनाई थी, सरकार थी। मैं एक सवाल, कहीं पर भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, केवल ये एक सरकार थी जिसने 49 दिनों में बहुत सारे काम कर दिए और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। आपके वो फेस, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे साजिया इल्मी रही हों, या फिर कुमार विश्वास रहे हों, योगेंद्र यादव रहे हों, बहुत सारे लोग इस तरह के आशुतोष हैं, लेकिन मेनली हम बात करें खासकर अरविंद केजरीवाल, जो निश्चित रूप से आज सब लोग उन्हें सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं और एक राजनीति में एक उन्होंने अलग एक भाव पैदा भी किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके नेताओं ने वही सीटें क्यों चुनी जहां किसी पार्टी के दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे? कुमार विश्वास अमेठी गए राहुल गांधी के सामने, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी ने जब वहां से पहले नॉमिनेशन के लिए बोला कि मैं वहां से चुनाव लड़ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि जनमत करा करके मैं जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा जी। तो ये क्या पॉलिसी है आप जी? देखिए, दो बातें हैं। एक तो यह है कि हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में मिलीभगत होती है। जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं, वहां पर कांग्रेस अपने बीजेपी अपने बड़े नेता को खड़ा नहीं करती ताकि वो जीत जाए आसानी से। राहुल जी के खिलाफ, सोनिया के खिलाफ कभी भी बीजेपी ने कोई अच्छा बड़ा नेता खड़ा नहीं किया और वो एक दूसरे को जीतने देते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि यदि आप इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हो, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो, तो आपको तो हर जगह पर समर्थन मिलना चाहिए, आपको दो जगह लड़ने की जरूरत ही नहीं है। और ये राजनीति बदलना चाहते हैं, यही हमने दिल्ली में किया था। दूसरी बात, हम लोग कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ही पार्टियों को सबसे भ्रष्ट मानते हैं और ये दोनों पार्टियों की नीतियां एक जैसी ऐसा मानते हैं। इन दोनों को रोकना हमारा काम है और इसलिए इनके जो सबसे बड़े नेता है उनके खिलाफ हम हमारे सबसे बड़े नेता को खड़ा करेंगे और एक विकल्प देंगे साफ लोगों के सामने। चलिए, आप लोग को मिशन लेकर के चुनाव में आए जी, जीतना क्या हमारा मिशन नहीं है। दूर होगा तो फिर आम आदमी पार्टी विलय होगा किसी में जी? जी, समझा। अगर ये मिशन पूरा होता है करप्शन का आपका, राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार नहीं हो, अगर ये पूरा होता है तो फिर क्या होगा, आम आदमी पार्टी का विलय होगा किसी में? आपको ऐसी उम्मीद लगती है ऐसा हो सकता है? आम आदमी पार्टी में विलय किसी और पार्टियों का उसमें हो सकता है विलय भविष्य में यदि लोग सुधर जाए तो, लेकिन ऐसी उम्मीद लगती नहीं कि बहुत जल्दी, जो पार्टियों को पिछले 65 सालों से आदत पड़ी है। तो यही केवल माना जा सकता है कि देखिए योगेंद्र जी, आप देखिए कि जब चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्चा होता है केवल प्रचार के लिए, वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से वापस लिया जाएगा, जनता से लिया जाएगा। तो ये चलता रहेगा, ये साइकिल है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक चलता रहेगा। और हमने कोशिश केवल ये की है कि बिना पैसे के और अच्छे लोगों को खड़ा करके आप चुनाव लड़वा सकते हो। करप्शन आम आदमी पार्टी का ऑक्सीजन है? करप्शन आम आदमी पार्टी का ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से है कि अगर करप्शन नहीं रहेगा राजनीतिक दलों में तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अच्छी बात है, हम लोग तो रहेगा जब तक आम आदमी पार्टी। बिल्कुल सही योगेंद्र जी, देखिए इस पार्टी में आप देखिए जो लोग आए हैं वो लोग जीवन में कभी भी राजनीति में जाना नहीं चाहते थे। आप लोग देखिए कैसे लोग इसमें आए हैं, तो राजनीति में आना हमारा कंपल्शन था और जब जरूरत नहीं होगी तो पार्टी नहीं रहेगी। चलिए इसी से जुड़ा मैं अनिल जी आपसे जानना चाहूंगा, एक राजनीतिक विश्लेषक के नेते, ये बात सही है, हम वर्षों से बात देख रहे हैं कि जहां पे किसी पार्टी का दिग्गज चुनाव लड़ता था वहां पे कभी भी बीजेपी कांग्रेस के नेता सभा करने भी नहीं जाते थे और ये समझते थे कि बस ये सीट हम चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट खड़ा किया लेकिन चुनाव में कोई बहुत बड़ा वहां पे जाकर के चुनाव नहीं लड़ा, ये देख लड़ा लेकिन कोई सभा करने नहीं गए। लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी ने रोड शो किया बनारस में जाकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और स्मृति ईरानी के सपोर्ट में अमेठी में जाकर के नरेंद्र मोदी ने सभा की। ये सभा इससे पहले यही इन्हीं की पार्टी आम आदमी पार्टी ने बयान दिया था कि गठबंधन है दोनों पार्टियों में, क्यों नहीं अमेठी जाते हैं, क्यों नहीं बनारस जाते हैं? तो ये एक नया भी बदलाव अब की बार राजनीति में देखने को मिला है। देखिए निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट आम पार्टी को देना चाहिए, आम आदमी एक नई विचारधारा के साथ आई है,
इसको आदमी या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, इसमें बहुत लंबा समय से लगेगा। अभी आम पार्टी को एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा, पर एक विचारधारा ऐसी है जो निश्चित तौर पे अगर अपील करेगी तो कल पता पड़ेगा। 400 से ऊपर इन लोगों ने कैंडिडेट खड़े किए, मैंने उन सबके बायोडाटा देखे, निश्चित तौर पे अपनी फील्ड के जबरदस्त आदमी, उनका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एनजीओ से रिलेटेड है चाहे कैसे भी आदमी हो। मैं इन्हीं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं ना इनका प्रवक्ता हूं, परंतु कोई चीज अच्छी होगी तो आपको उसको मानना चाहिए, उसको एंडोर्समेंट करना चाहिए। केजरीवाल जी इनका एक सिंबल है, उनकी जो अगर पूरी कार्यशैली देखी जाए, जीवन का स्तर देखा जाए, जीवन की कार्यशैली देखी जाए, तो निश्चित तौर पे वो जो यूथ है उसके आइकॉन बनने की उनमें क्षमता है, और जो उनको वोट मिले हैं चाहे दिल्ली में मिले हैं और कल मिलने पर असली चीज आएगी तो निश्चित तौर पे उनके चेहरे पे मिले हैं। और जो भी आपने कहा जो इन लोगों के साथ जो एक कोर कमेटी है वो बड़े अच्छे लोग बाग हैं, उसको रिजेक्ट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक छोटा सा रिमार्क कर देने नहीं, कुछ नहीं है, क्या कर लेंगे, कल पता पड़ जाएगा, ये विचारधारा। मैंने एक ममता जी का एक स्टेटमेंट देखा था, एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने आपके बारे में ये कहा कि अभी ये नए लोग बाग हैं, मुझे राजनीति में 30 साल हो गए, जब मेरे पास एक स्टेट आया है मैं उसकी मुख्यमंत्री बनी हूं, अभी आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इनके योगेंद्र यादव भी कह चुके हैं कि हमारा 10-20 साल का अभी संघर्ष चालू हुआ है, तो निश्चित तौर पे इनकी विचारधारा जैसी भी है लोकतंत्र में लोगों के सामने आई है, उसको लोग बाग एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे ये कल पता पड़ जाएगा, उसके बाद इनकी जो है इस पार्टी के बारे में बात करना ठीक रहेगा। लेकिन करप्शन के खिलाफ जो लोगों में घुटन था वो शायद इनका वोट अगर इनको मिलता है तो उसको उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा जी, परंतु जैसे पहले भी हमें ये आपके स्टूडियो में बात हो चुकी, धीरे धीरे करप्शन पीछे चला गया और पर्सनल अटैक्स चालू हो गए, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को। जिस मनमोहन सिंह जी की आप बात कर रहे थे उससे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ, ये अपन 2-3 दिन पहले भी बात कर चुके हैं। कल जेटली साहब ने उसको एंडोर्समेंट किया कि उससे बढ़िया सहाना आदमी नहीं है। इस आदमी ने 20 पेज का इनका बायोडाटा है, ऐसा बायोडाटा हिंदुस्तान में किसी का नहीं है। अगर नेहरू के बाद इंटरनेशनल स्टेटस किसी ने मिला है किसी को, जिसको पूरे देश किसी विश्व में जानते हैं, तो मनमोहन सिंह है। इन्होंने जब 2004 में, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको कांग्रेस की बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु कांग्रेस की कमी बता रहा हूं कि 2004 में जब कांग्रेस ने राज संभाला तो हिंदुस्तान में 14 सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटीज थी, अब 44 नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई है। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन 1,13,000 मेगावाट हो रहा था, अब 2,12,000 मेगावाट हुआ है। इन्होंने इस चीज को भुनाया नहीं और बीजेपी ने बड़े शानदार तरीके से गुजरात मॉडल को भुना लिया। तो निश्चित तौर पे 8-10 साल में से 2 साल करप्शन की भेंट चढ़ने पर ये यूपीए की सरकार बिल्कुल गड्ढे में चली गई, महंगाई से लोगों ने मार दिया। मैंने आपको बताया इन्होंने प्रोग्राम अच्छे बनाए, परंतु गरीब के पेट तक वो प्रोग्राम पहुंचे नहीं, वो रोटी नहीं पहुंची, वो रिलीफ नहीं पहुंची, तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पे यूपीए को मिलेगा। और बहुत अच्छी मार्केटिंग और बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन करना, युद्ध में जब जाएंगे तो एक स्ट्रेटेजी बनती है। कभी भी आप युद्ध करने जाएंगे, किसी से कोई बातचीत करने जाएंगे तो एक स्ट्रेटेजी के तहत जाना चाहिए। वो स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई, वो स्ट्रेटेजी कांग्रेस नहीं बना पाई, तो उसका खामियाजा निश्चित तौर पे आपको कल देखने को मिलेगा। तो इस चुनाव में बहुत सारी चीजें, अब की बार चेंजेस बहुत हैं, मार्केटिंग भी एक एजेंडा रहा, जो सभी लोग कह रहे हैं कि मार्केटिंग के मास्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कांग्रेस के हर नेता ने बात कही विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन फिर भी उस मार्केटिंग को कांग्रेस समझ नहीं पाई। यही बड़ी वजह है कि अगर कल सीटें अच्छी मिलती हैं तो एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए मैं विष्णु जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक बार वोट का जो एक आधार बना बीजेपी कांग्रेस के बाद में उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में भी, जो बीएसपी को नेशनल पार्टी तक पहुंचाया, 6% मत आप लोगों ने हासिल किया, उसके बाद में राष्ट्रीय पार्टी बनी बीजेपी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बाद में। लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी का जो वोट है वो भी छिटकता नजर आ रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरे लोग क्षेत्रीय दल आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं? ऐसा नहीं है योगेंद्र जी, अभी राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। इससे पूर्व जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन वही मैं कह रहा हूं परसेंटेज आपका डाउन गया, राजभा आपसे आगे चली गई। जनता को नेताओं से बड़ी आशाएं हैं और आशाओं के आधार पर जनता अपने वोट को कन्वर्ट करती है। अब आज हम 6 सीट लाके 6 लोग हमारे कांग्रेस में चले गए,
तो जनता ने बोला कि इनकी पार्टी को वोट देंगे फिर ये तो कांग्रेस में चल जाएंगे, या जो सरकार भाजपा की आएगी इसमें चल जाएंगे। हमने जनता का विश्वास जगाना है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का विश्वास जगा रहे हैं कि जो पूर्व में हमारे विधायकों ने गलती की वो गलती अब बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगी। और आज यही कारण है कि राजस्थान में 163 सीट जीतने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें मिली। सवाल अभी बद्री जी वैसा बोल रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी समय से तलाश कर रही थी कोई ईमानदार व्यक्ति मिले, मगर इनको ईमानदार व्यक्ति मिल गया नरेंद्र भाई मोदी। बद्री जी भाई साहब को यह बात भी ध्यान देना चाहता हूं कि संघ के अंदर नरेंद्र मोदी जी भी जब प्रचारक थे उस समय ओम जी माथुर भी प्रचारक थे, उस समय मोहन भागवत जी भी इनके साथ थे। ये इस बात से कहने से क्यों मना करते हैं कि अभी जो ये चुनाव हुआ है उसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी के बजाय मैं कहता हूं आरएसएस को क्यों नहीं देते? आरएसएस इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल रही है कि आरएसएस की शाखाओं की रोजाना इनकी स्थिति रोजाना हिंदुस्तान में रोजाना संख्या घट रही थी इनकी। और आज ये युवकों के लिए बात कर रहे हैं, युवक तो हमेशा इस देश में जब भी वोट पड़ा है हमेशा युवकों ने वोट दिया है, और युवकों को हमेशा ही युवकों को कह के आगे ला रहे हैं, तो क्या पहले युवकों ने वोट नहीं डाला? लेकिन उत्साह पहली बार देखा जा रहा है, ऐसा मानना है लोगों का। मैं आपको बताऊं, सन 77 में भी बाबू जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हम लोग जेल में थे, लेकिन वो क्रांति आई ना, तो चेंजेज आए फिर। क्रांति आई, ये क्रांति नहीं है, ये मीडिया का फैलाया हुआ एक भ्रमिक जाल है, ये जाल की राजनीति है। और मैं आपको बता दूं, कल के बाद देख लीजिएगा आप, ये नेता लोगों से पूछोगे ना ये नहीं आएंगे मंच पे भी। और मैं आज इतना सा बता दूं कि हम ये इतने नेता बैठे हैं अपनी पार्टी में इतनी मजबूती से हम नहीं बोल सकते हैं, यहां तो बात कर लेते हैं जनता के लिए तो कुछ भी है, मगर सच्चाई तो यही है। तो पति जी वैसा बोल रहे तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में बाकी सब लोग बेईमान है, ये हकीकत है क्या इस चीज के? एक आदमी ईमानदार नहीं है, और सवाल ईमानदारी की बोल रहे हैं तो मैं बता दूं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के रथ यात्रा के एकता प्रमुख संयोजक बने जब मैं राजस्थान का भी संयोजक था। उस समय जो सवाल इस बात का नहीं, योगेंद्र मेरी पूरी बात सुनिए, ईमानदारी की सवाल ईमानदारी की, क्या एक देश में एक ईमानदार नेता है क्या? नरेंद्र भाई मोदी जिस स्टेट में गए उस स्टेट के मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, यह उनकी ईमानदारी है? अपने आज वो जिस स्टेट का मुख्यमंत्री है उसका सम्मान करना उनका कर्तव्य होता है, ये नहीं है कि वहां जाके उनके ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप लगाए। ये भी तो मुख्यमंत्री है, शराबबंदी लागू है, खुलेआम शराब मिलती है, सवाल इस बात का नहीं है। कम से कम एक ईमानदारी की बात, मैं इस बात बोलो ईमानदारी की बात बोल रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता आप क्या कह रहे हैं कि क्या सब लोग बेईमान है? तो आप क्या कह रहे हैं, ये शराब वाली बात करें, ये भी गुजरात मॉडल में शामिल कर रहे हैं क्या? सवाल ये नहीं, एक बार दीजिए सवाल नहीं, मैं यद्रोपति की बात तो जाना नहीं चाहता। सवाल ये है कि ईमानदारी की बात करना ये एकदम गलत है, ये तो इनकी एक संघ की शुरू से एक नीति रही है, या जब रामरथ यात्रा चली थी ना, जब से नरेंद्र भाई मोदी की नजर थी कि मुझे किस किस नेताओं के किस किस समय मुझे वका, अगर इतने बड़े ईमानदार नरेंद्र भाई मोदी तो अगर राम मंदिर में जो ईटे थी उनका हिसाब दे दें फिर मान लेंगे उनकी ईमानदारी, और कल से उनके मैं चरण छू के पानी पीऊंगा। ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये बोले हाँ ये एजेंडा आरएसएस का है। विष्णु जी जो कह रहे हैं, चलिए चलिए एक बार में बात करना चाहूंगा जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम तक नहीं लिया, मैंने भारत की जनता की बात करी है कि भारत की जनता में एक परिवर्तन है, वो चाहते हैं कि वास्तव में परिश्रमी, मेहनत और ईमानदारी करने का आह्वान देने वाला नेतृत्व चाहिए देश के अंदर। लोगों को सुख सुविधाएं लालच दे दे करके वोट बटोरने के बजाय परिश्रम करके और देश निर्माण करने की आह्वान करे, ऐसा कोई नेता देश को चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य था। मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। विष्णु जी जिस जोश के साथ बोल रहे हैं वो जोश उनको आरएसएस ने पैदा किया है, ये आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, इसीलिए जरा अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। इनको मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक इनकी भी प्रेरणा का स्रोत रहा है, हमारी भी प्रेरणा का स्रोत है, केवल हम उनसे स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पिरिचुअल शक्ति प्राप्त करते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है। जैसा बद्री जी ने कहा है, उनके पास यदि अन्य पार्टी के लोग भी जाएंगे तो अछूत समझते हैं, और लोग तो आरएसएस को, हम उनको अछूत नहीं समझते हैं,